नमस्कार दोस्तों, बोल्स्काई में आपका स्वागत है। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस साल विजया एकादशी 16 फरवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। ऐसा कहते हैं कि किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए विजया एकादशी का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम भगवान विष्णु की कृपा से पूरा हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें, एकादशी व्रत के दिन दान जरूर करें। एकादशी व्रत के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। जल्दी विवाह करवाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करें। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मन की सभी इच्छाएं पूरी होने के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। एकादशी का व्रत रखने से धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जप और जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खानपान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन चावल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।